Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुब्रिकेंट के बारे में. गाइस, जो लोग सिलिकॉन कंडोम्स का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर लुब्रिकेंट का यूज करते ही हेल्प चाहते हैं कि इससे फ्रिक्शन, उनका जो पार्टनर होता है उसको फ्रिक्शन महसूस ना हो, प्लस काफी स्मूथ हो जाए, बिल्कुल नेचुरल अम जैसा ही. इसलिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं लोग. और गाइस, एक्सपीरियंस को बेहतर बनानी चाहिए भी लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है. फिर मैं आज आपको बताने वाली हूँ दोनों लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर लेकर माइलेज इन दिवस तो और कोई ऑप्शन है नहीं. वहां पर सिर्फ ऑयल अवेलेबल है तो वो ऑयल को उठा के उसको लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसके नुकसान होगा. पहला तो यही है, देखिए इससे जम्स लाते पैदा हो सकते हैं अगर आप फ्लाई फ्राई यूज करेंगे. दूसरा ही रहेंगे फिर क्या, आप वाई फाई ऊपर होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको चिट्ठीपाफन महसूस होगा. फिर आपको उसको ऊपर अच्छे से वॉश करना ही पड़ेगा, आप उसमें कंफर्टेबल फील ही नहीं करूंगे. तो आपको ऑयल का इस्तेमाल ना करके मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगी. मेरे पास दो ऑप्शन है एक्चुअली. मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लुब्रिकेंट के लिए जेल का यूज कर सकते हैं. जैसे कि जेल में भी दो ऑप्शन होता है, पहला होता है वाटर बेस्ड और दूसरा होता है सिलिकॉन बेस्ड. तो इन दोनों में से आप कौन सा यूज करेंगे बेस्ट है? तो दोनों ही बेस्ट है. मैं फिर उन्हें ये नहीं कहूंगी कि आप ये नवर नहीं करें, नहीं आपको बता रही. सो गाइज, जो सिंगल और वाला नूम होता है उसमें आप अपनी स्किन पर तो लुब्रिकेंट नहीं लगाते हैं. ज्यादातर लोग उनको जरूरत ही पड़ती बिफोर से फोर लेवन एड बुलेटीज ही चढ़ जाता है और आप इसके ऊपर ही जो है लुब्रिकेंट लगाने पर. लेकिन अगर हम बात करें डबल और वाले नूम, बिकॉज ना आपको लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है, तो जब आप अपनी स्किन पर भी इसको लगाएंगे तो आपको आपको ये फील नहीं होगा कि ना आपको चिपचिपापन महसूस होगा ना ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ ही लंबाया हुआ है. देखिए उस फैन देर वर्क कर पाए जब आपको इसकी जरूरत होती है. तो जैसे जब आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो सिलिकॉन जो नॉर्म होता है कि चाहिए आपके पार्टनर को भी जाता है तो उनके स्किन पर ही अपने आप ही अब जाएगा. तो हम कहते आपको ख्याल रहे. अंदर बात करें हम सिलिकॉन बेस लुब्रिकेंट की, तो ये बहुत अच्छी चीज है. अगर आप इसको यूज करके आप उसको ओवरनाइट तब यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. नेक्स्ट डे आप उसको वॉश करना होता है. गाइस, ये आपने खास परों को बेहतर बनाता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं वाटर बेस लुब्रिकेंट की. इसका माय बाय ये है, ये बिल्कुल सेम वर्क करता है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं लगा अगर आप इसका यूज करते हैं, बट इसको लगाने के बाद आप उसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये खुद ही आपकी स्किन में प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाता है और ना ही इसके कोई नुकसान है. काफी ज्यादा अच्छा है ये, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. गाइस, इस पर गिल मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन को नूम के साथ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं और कौन सा लुब्रिकेंट आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं. और गाइस, आप अगर ये नूम इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं और भी सिलिकॉन को मून दिया और इसके अलावा भी आप जो है अगर जेरी का यूज करना चाहते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी डी लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं. अब हम खास तौर से बात करें सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट की, तो ये शॉवर में भी आपको हेल्प करता है क्योंकि पानी के साथ बहता नहीं है. क्लेव, मुझे लगता है इस वीडियो में काफी जानकारी आपको लुब्रिकेंट के बारे में मैंने दे दी है, आपको समझ आ गया होगा. तो अगर आपको लुब्रिकेंट्स के बारे में या सिलिकॉन को मोम के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बेटे नंबर पर बात कर सकते हैं. तो आज के रेट मनी मिलता है वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉच.